हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी मावा स्प्रिंग रोल। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कप मावा। मावे को अब हम मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, मावा अब अच्छे से भुन गया है, मावे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, साथ में हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ ड्राई कोकोनट। अब हम इनको भी 1 मिनट अच्छे से भून लेंगे। मावा और ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून चुके हैं और बस अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर अब हम सूजी को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। सूजी को हमें कलर चेंज नहीं करना है और बस देखिए, सूजी हमारी भूनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको भी उसी बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। सभी चीज़ों को अब हम मिला देंगे। हमारी मावा स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम शीट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1.5 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। दोनों चीज़ों को हम मिला देते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका सिल्की स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, बैटर हमारा बनके अब तैयार हो चुका है। अब हम शीट्स बनाएंगे। तो गैस पर रखेंगे एक पैन, पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ब्रश की हेल्प से अब हम शीट्स बना लेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर शीट्स को सिकने देंगे। शीट्स को बनने में 1 मिनट ही लगेगा। और ये देखिए, शीट बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी शीट्स बना लेंगे। अब हम शीट्स लेंगे, हमने जो मावा स्टफिंग बनाई थी उसको रख देंगे। किनारों से बंद कर देंगे। अब हम दोनों साइड मैदे का पेस्ट लगा देंगे और इसको अच्छे से हम रोल कर देंगे। इसी तरह हम एक और बना लेंगे। स्टफिंग रखेंगे, किनारों को मोड़ देंगे, मैदे का पेस्ट लगाएंगे, स्प्रिंग रोल हमें इसी तरह बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने मीडियम गरम तेल कर लिया है। सारे स्प्रिंग रोल को इसके अंदर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। पलट देते हैं, दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, हमारे सारे रोल्स सिककर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। हमारे मावा स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।